वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम इसका फिर केस नंबर 4 करेंगे। केस नंबर 4 में क्या होता है कि जो ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई साइन या कॉस साइन ए एक्स प्लस बी वाई कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 1 है, और x टू द पावर m y टू द पावर n ये केस नंबर 3 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। केस नंबर 4 में क्या है, एनी फंक्शन पार्शियल डिफरेंशियल दैट इज इक्वल्स टू एनी फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन रहे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू एनी फंक्शन। इसके अलावा, ये तीनों के अलावा कोई सा भी फंक्शन हो तो उसका पीआई कैसे निकालते हैं, उसका पीआई जैसे अपन केस फेल्योर की स्थिति में निकालते थे सेम वैसे ही निकालते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप इसको देखिए ध्यान से, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये केस नंबर 4 में है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखिए ये खुद सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, है ना, ये सीधा सीधा सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, डी की जगह में एम और डी डैश की जगह में 1 रखते हैं, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टराइज कर लीजिए, माइनस 2 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2 एम माइनस एम प्लस एम माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा एम एम माइनस 2 प्लस 1 एम माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा m प्लस 1, ये हो जाएगा m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू माइनस 1 और 2 इसका फैक्टर आया, है ना, इसके रूट्स आए, m इज इक्वल्स टू 2 और माइनस 1। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसका cf कैसे लिखेंगे, cf इज इक्वल्स टू F1, इसको किसी को भी F1 F2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y प्लस 2x प्लस F2 y माइनस x, ये आ गया इसका CF। ठीक, CF निकालना तो आसान है, आप कई बार CF निकाल चुके, हर क्वेश्चन में CF निकलता है, तो आप अच्छे से उसको देख ताक के निकालिए, हर क्वेश्चन में CF निकलेगा, है ना, तो CF निकालने के मैंने रूल बताया हुआ है वीडियो नंबर 1 में, इसके आप अच्छे से देख लीजिएगा इसके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे CF निकालते हैं। अब देखिए PI कैसे निकालेंगे इसका, PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश, और ये हो जाएगा 2 डी डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई माइनस 1, और ये ई टू द पावर एक्स। ठीक है, इतना आएगा, तो इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज आप यहाँ से देख करके भी कर सकते हैं, है ना, इसका फैक्टराइज करने के लिए आपको m प्लस 1 यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से फैक्टराइज जब करेंगे तो इससे फैक्टराइज किया जा सकता है, तो m की जगह में आप d रख दीजिए, तो ये हो जाएगा d, और 1 की कांस्टेंट की जगह में d डैश, d प्लस d डैश, और ये हो जाएगा d माइनस 2 d डैश, और ये हो जाएगा y माइनस 1, और ये हो जाएगा e टू द पावर x। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा सेम, इसका आप जब भी फैक्टर निकालेंगे तो इसका हेल्प लेंगे, ये ऑलरेडी फैक्टर निकला हुआ है, केवल इसको आप m की जगह में d डाल दीजिएगा, कांस्टेंट की जगह में d डैश दीजिएगा, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। यहाँ पास क्या फॉर्मूला लगाएंगे, केस फेल्योर की स्थिति जो थी अपने पास, वही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे केस नंबर 4 में,
केस नंबर फोर में भी सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है? वन अपॉन डी माइनस एम डी डैश एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ, एक्स में कोई चेंजेज नहीं होगा और वाई की जगह में सी माइनस एम एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। और आफ्टर इंटीग्रेशन क्या करना है? आफ्टर इंटीग्रेशन अपने क्या करना है? C इज इक्वल्स टू वाई प्लस एम एक्स फिर से पुट अप कर देना है। ठीक है, ये केस फेलियर की स्थिति थी, यही केस नंबर फोर में भी लगेगा। तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला देखिए, m की जगह में यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस डी डैश, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, y चेंज हो जाएगा, y की जगह में क्या रहेगा? C माइनस 2x, ये देखिए एम एक्स सी माइनस 2x और माइनस 1 और ये हो जाएगा e टू द पावर x dx। देखिए c की वो केवल y की जगह में आपने क्या रखा? y की जगह में आपने c माइनस 2x रखा और यहाँ माइनस 1 दिया हुआ था, ये e टू द पावर x dx हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में दो फंक्शन है अपने पास, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस डी डैश, ये हो जाएगा फर्स्ट c माइनस 2x माइनस 1 फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसका माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन भी ऐसा ही हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या आता है, उसके बाद अपन इसकी वैल्यू को पुट अप कर लेंगे, या तो फिर सी की जगह में ये वाली वैल्यू रख देते हैं। सी इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आएगा? सी इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू एक्स, तो यहाँ रख देते हैं 1 अपॉन डी प्लस डी डैश आफ्टर इंटीग्रेशन, सी की वैल्यू रखना है तो वाई प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस 1 ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स, ये आएगा, ये 2x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखिए, यहाँ से आपको मिलेगा 1 अपॉन डी प्लस डी डैश और ये मिलेगा वाई माइनस 1 ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन डी प्लस डी डैश ये वाई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई एक्स, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए आप तो क्या मिलेगा y e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये मिलेगा d d डैश y प्लस 1 e टू द पावर x। ठीक है, फिर इसमें ये वाला रूल लगाएंगे, ये वाला रूल लगा के इसको एलिमिनेट करते हैं, देखिए कैसे एलिमिनेट होगा। ये यहाँ क्या हो जाएगा, y की जगह में मेरे को c प्लस एम एक्स रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये एफ एक्स वाई है, वाई की जगह में सी प्लस एक्स हो जाएगा, देखिए क्योंकि यहाँ एम की जगह में वन है। ठीक है, सी प्लस एक्स हो गया प्लस 1 और एक्स का फंक्शन तो ऐसे रहेगा, फिर इसको अपन इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है आपके पास तो इसको आप कर लीजिए, देखिए क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से आपको क्या मिलेगा। फर्स्ट c प्लस एक्स प्लस 1 फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन भी यही मिलेगा आपको। c की जगह में आप क्या रखेंगे, यहाँ पास अभी c की जगह में आपने क्या रखा था, y की जगह में क्या रखा था, y इज इक्वल्स टू
सी प्लस एक्स रखा था आपने, तो सी इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, वाई माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है। तो इसको y माइनस एक्स रख लीजिए, यहाँ ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, y ई टू द पावर एक्स, ये आपका pi आएगा, पी आई की जगह में आपको ये मिल लेगा, ठीक है। तो देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लीजिए आप, हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो जाएगा, हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन z इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो हो जाएगा z इज इक्वल्स टू एफ वन वाई प्लस टू एक्स प्लस एफ टू वाई माइनस एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स, ये निकल गया। तो केस नंबर फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको इस पे दो प्रॉब्लम बताए हैं, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।